चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डेट फॉर्मेट्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कल के लेक्चर में डेट ऑब्जेक्ट के बारे में, किस तरीके से आप डेट को निकाल सकते हैं तो डेट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में। तो मुख्य रूप से तीन फॉर्मेट हैं, एक तो है ISO स्टैंडर्ड का, दूसरा है शॉर्ट डेट और तीसरा है लॉन्ग डेट। और तीनों आपको दिख रहे होंगे किस तरीके से इनको स्ट्रिंग के रूप में यहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे ISO डेट स्टैंडर्ड को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है, इसी को हर जगह दिखाया जाता है, अधिकतर लोग इसी को मानते हैं, ठीक। और बाकी ये शॉर्ट डेट है तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और लॉन्ग डेट है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप इन तीनों में कोई भी इस्तेमाल करते हो, बस ये होता है कि कुछ को ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है, कुछ को स्पेशली सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो ISO स्टैंडर्ड है ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है। और अगर आपको इसे याद रखना है कौन कौन से डेट फॉर्मेट हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये ISO में आप ध्यान रखिए, इसमें आपको ये डैश ये जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। शॉर्ट डेट में आपको ये फॉरवर्ड स्लैश देखने को मिलता है, और लॉन्ग डेट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, स्पेस है केवल। तो ऐसे याद रख सकते हैं डेट फॉर्मेट, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से आप देख सकते हैं, और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, बस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में दिया है और बता रहा है कि जो आपका डेट ऑब्जेक्ट है किस तरीके से उसमें आप कंप्लीट डेट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप डालते हैं तो इसमें आपको कंप्लीट डेट दिखती है, आपने ये डाला 25 मार्च 2015 तो इसको ये कंप्लीट डेट इस टाइप में ये दिखाता है। तो यही सब है इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो कि पढ़ाने लायक हो, बस आप अपने से देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे ISO डेट स्टैंडर्ड दिया हुआ है कितना आप डालते हैं, जैसे कि ISO डेट्स कैन बी रिटेन विदाउट स्पेसिफाइंग द डे। ISO डेट स्टैंडर्ड में आप डे को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तब भी आपका काम चल जाता है, जैसे कि यहाँ पर मार्च 2015 है तो इसको भी ये बता देता है, तो मार्च का महीना तो पहला 1 मार्च को ही ये दिखाएगा। ये चीज़ है डेट टाइम। ISO डेट्स कैन बी रिटेन विद एडेड आवर्स मिनट्स सेकेंड्स, तो आवर्स मिनट्स सेकेंड्स भी दे सकते हैं, तो इतना तो आपका डेट फॉर्मेट है ही। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो जो डिवाइडर के रूप में होता है वो टी, यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप घंटा मिनट और सेकेंड दे सकते हैं, और लास्ट में आपको एक जेड लिखना है। जैसे डेट एंड टाइम इज सेपरेटेड विद कैपिटल टी, डेट और टाइम, ये जो आपका डेट था और ये जो टाइम है इसको सेपरेट किया गया है कैपिटल टी से, तो ये ध्यान रखना होता है, कैपिटल टी का यही काम होता है सेपरेट करने का। और ETC टाइम इज डिफाइंड विद कैपिटल लेटर जेड, ETC जो टाइम होता है उसको कैपिटल लेटर जेड से डिफाइन किया जाता है। इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द टाइम रिलेटेड टू ETC रिमूव द जेड एंड ऐड, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा अगर जेड आप हटाना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ। तो ये तो आपका टाइम है, उसके बाद आपने ये वाला जो है ये आपको जेड की जगह पर इतना आपने लिखा। ETC मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स इज़ द सेम एज GMT ग्रीनविच मीन टाइम, तो ETC जो होता है GMT जो होता है उसके सेम होता है। ओमिटिंग टी और जेड इन डेट टाइम स्ट्रिंग कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट ब्राउजर्स, तो अलग अलग ब्राउजर में डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है अगर आप टी या जेड को हटा देते हैं, तो आपको हटाना नहीं है। और ये बता रहे कौन कौन से टाइम जोन है, व्हेन सेटिंग ए डेट विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम जोन जावास्क्रिप्ट विल यूज द ब्राउजर्स टाइम जोन, अगर आपने डेट को सेट किया और वहाँ पर आपने टाइम जोन को सेट नहीं किया है तो ब्राउजर क्या काम करता है, जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, ब्राउजर का जो टाइम जोन है उसी को इस्तेमाल कर लेता है। जावास्क्रिप्ट शॉर्ट डेट्स, शॉर्ट डेट का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से इसका सिंटेक्स है, मंथ फिर डे, मंथ फिर फॉरवर्ड स्लैश फिर डे फिर फॉरवर्ड स्लैश ईयर, इस तरीके से होता है ये। तो इसमें भी आपका सेम आउटपुट दिखता है, बस फॉर्मेट आपका अलग है, शॉर्ट डेट का फॉर्मेट है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, कुछ ब्राउज़र में मंथ और डेज जो होते हैं अगर इनके पहले आपने जीरो नहीं लगाया, जैसे ये 3 है इसके पहले 0 नहीं लगाया तो ये एरर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसलिए आपको इस तरीके से लिखना है, मंथ और डे के पहले 0 लगाना है अगर वो 1 डिजिट में है। जावास्क्रिप्ट लॉन्ग डेट्स, लॉन्ग डेट का फॉर्मेट क्या है, तो दो फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ लिए, एक ISO, दूसरा शॉर्ट डेट और तीसरा लॉन्ग डेट। तो लॉन्ग डेट किस तरीके से लिखा जाता है, इसमें आपको कोई भी कॉलम कोई भी सेपरेटर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ना तो फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है ना तो आपका कॉमा दिख रहा है, ठीक, ना तो कॉलम दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मंथ डे और ईयर इस टाइप में आप लॉन्ग डेट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर MAR मतलब मार्च शॉर्ट में लिखा गया, इसको आप फुल में भी लिख सकते हैं, और ये केस इंसेंसिटिव भी है,
मतलब आप यहाँ पे छोटे में लिखिए, बड़े में लिखिए, या फिर तब भी आपका काम चल जाएगा, या फिर शॉर्ट में लिखिए या फिर फुल में लिखिए। शॉर्ट में मतलब AMAR, और फुल में लिखना तो MARCH मार्च, ठीक, ये होता है सभी में अलाउ होता है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कामा इसमें इग्नोर किया जाता है। और नेम्स जो होते हैं केस इंसेंसिटिव होता है, मतलब आप बड़े में लिखिए छोटे में लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं, जैसे यहाँ बड़े में लिखा तब भी आपका आउटपुट आएगा। उसके बाद डेट इनपुट पार्सिंग डेट्स, तो पार्सिंग डेट का मतलब यह है कि पार्स मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे हम लोगों को जो डेट होती है उसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट होते हुए रिजल्ट मिलता है। जैसे कि अगर आपने 21 मार्च 2012 इसे कन्वर्ट किया मिली सेकेंड में, तो ये क्या काम करता है, 21 मार्च 2012 से लेके 1 जनवरी 1970 के तो बीच का जो टाइम होता है उसी को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके आपके सामने रख देता है, ठीक है। तो ये पार्स का काम ये होता है, पार्स रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड बिटवीन योर डेट एंड, मतलब ये जो आपने डेट दी ये और जनवरी 1 जनवरी 1970 दोनों के बीच का जो टाइम है इसी को ये मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये चीज़ होती है, जैसे ये आपका मिली सेकेंड आ गया, तो ये पार्स जो मेथड होता है यही काम करता है। तो डेट डॉट पार्स आपको लिखना होता है, ठीक, तो ये हो गया आपका डेट डॉट पार्स मेथड से आपको ये चीज़ मिल जाती है। और इसी चीज़ को जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ ना, इसको क्या काम करते हैं, अगर आप इसको डेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिंपली क्या काम करना है, इस मिली सेकेंड को इसके अंदर रख दीजिए, यहाँ पे ऐसे करके कर दीजिए और इसको हटा देते हैं, यहाँ पे न्यू लिख देते हैं, ठीक। इतने से क्या होगा, ये जो मिली सेकेंड है इसको ये डेट में कन्वर्ट कर देगा, आपको यहाँ पे वही डेट मिलेगी जो आपने वहाँ पे दी हुई है, ठीक है, 21 मार्च है, देखिए यहाँ पर भी आपको 21 मार्च मिलेगी। तो इसने क्या काम किया, डेट ऑब्जेक्ट ने मिली सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेट में कन्वर्ट कर दिया, और नहीं तो वो जो मिली से वो जो डेट थी उसको डेट डॉट पार्स ने, जो हमारा अपना पहले था इससे, डेट डॉट पार्स ने क्या काम किया, इस डेट को यानी कि 21 मार्च 2012 की डेट को इसने मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको मिली सेकेंड मिलता है, बस यही दिया हुआ है इसमें, और कंप्लीट रेफरेंस यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद अगले लेक्चर में बात